साउथ इंडिया की फेमस रेसिपी डोसा तो है ही, साथ में इडली भी फेमस है। यह बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार होती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। नमस्कार, बबताज किचन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है इडली, तो आइए इडली बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 3 कप चावल लेंगे। यहाँ पर मैंने चावल में जो छोटे टुकड़े होते हैं उसी को यूज किया है। आप कोई भी घरेलू यूज की चावल ले सकते हैं। 1 कप उड़द की दाल लेंगे और 1 चम्मच मेथी दाना। दाल और चावल को अलग अलग बर्तन में रखेंगे। अब हम इन दोनों में पानी डालकर 4-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। दाल और चावल फूल गई है। अब हम इसे अलग अलग पीस लेंगे। मिक्सी जार में दाल डालकर थोड़ी सी पानी डालेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे। दाल को एकदम बारीक पीसेंगे। अब इसी जार में चावल को भी पीस लेंगे। चावल में थोड़ी सी पानी डालकर हल्का सा दरदरा ही पीसेंगे। और दोनों बैटर को एक साथ मिक्स कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी। अब इसे ढककर गर्म जगह पर 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए रख देंगे, जिससे यह अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। फर्मेंट होने के बाद बैटर फूल के दोगुनी हो गई है। बैटर में बहुत ही अच्छी तरह से जाली पड़ी है। इस तरह से फर्मेंट हुई बैटर की बनी हुई इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालकर मिक्स करेंगे। इडली की बैटर बनाने में इसका मेजरमेंट 1 और 3 का होता है। अगर 1 कटोरी उड़द दाल है तो 3 कटोरी चावल लें, आपकी इडली अच्छी बनेगी। बैटर बनकर तैयार है, तो अब इडली बनाते हैं। इडली स्टैंड को घी या तेल से चिकना कर लेंगे, जिससे इडली स्टैंड में चिपकेगी नहीं, और इडली स्टैंड में बैटर डाल देंगे। इडली के प्लेट में बैटर को ऊपर तक नहीं डालेंगे, नहीं तो यह पूरी तरह से फूल नहीं पाएगी। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इसे छोटी छोटी कटोरी में भी बना सकते हैं। इडली खाने में सॉफ्ट होनी चाहिए, शेप चाहे जैसा भी हो। इसी तरह से सारे प्लेटों में बैटर डालकर तैयार कर लेंगे। आप भगोने में या कढ़ाई में जालीदार थाली या स्टैंड रख दीजिए और ढककर 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। इडली मेकर में 2 ग्लास पानी डालकर गरम कर लेंगे और बैटर से भरा स्टैंड रखकर ढक देंगे। यहाँ पर इंडक्शन में इडली के लिए 10 मिनट का प्रोग्राम सेट है। यह अपने आप 10 मिनट में बंद हो जाएगी। अगर आप चूल्हे पर बना रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पका लीजिए। इडली को चाकू या फॉक से चेक कर लेंगे। इडली अब पककर तैयार है। अगर आपकी इडली कच्ची लगे तो आप 2-3 मिनट और पका लीजिए।
इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे यह थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद चाकू की मदद से इडली निकाल लेंगे। इडली को तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। इसे सांभर, मूंगफली की चटनी और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। तो इस तरह से इडली आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह इडली की वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स करके वीडियो के बारे में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे नए वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखते रहिए बबताज किचन पॉइंट। एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।